एक ठाकुर जी हैं, असंख्य गोपियां हैं और सब गोपिन के साथ ठाकुर जी रास कर रहे हैं। कोई गोपी के गले में गलवैयां डाल लें, अपने पटका से वाके पसीना को पहुंचे, कोई गोपी के पाम पकड़ लें, अरे गोपी तू थक गई दिखे लग चल तेरे पाम दबाए दूं। कोई गोपी को गोद में उठा लें, अरे तू थक गई होगी तो चल ले तो मैं लेके चल दूं। कोई गोपी को अंजलि में जल भर के लिया में पिवाए दें, तू प्यासी होगी पी ले। इतने सहज हो गए ठाकुर जी। इस सहजता के कारण गोपियों के चित्त में मान आ गया। और मान कैसा आया कि हम त्रिभुवन सुंदरी हैं, हमारी सुंदरता पर, हमारे भाव पर, हमारे स्नेह पर लालन रीझ गए हैं। और जब ये मान चित्त में आया, ठाकुर जी बोले इसीलिए मैं मूर्तिमंत होकर खड़ा रहता हूं, इसीलिए मैं भक्तों से मिलता नहीं, इसीलिए मैं जड़त्व स्वीकार करता हूं, कहीं मैं चैतन्य हो गया तो इनको अभिमान हो जाएगा। और ये मान करके बैठी हैं, सब मान कर रही हैं, यही मुझे प्रिय नहीं है। गोपियों को मान हुआ, उस मान को देख करके ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, श्री जी के सहित अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी के विरह में व्याकुल गोपियां जड़ से पूछती हैं, चैतन्य से पूछती हैं, तुमने श्याम सुंदर को देखा? किसी ने प्रत्युत्तर नहीं दिया। इतना 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 विरह का ऐसा वर्णन किया भागवत जी में कि कृष्ण संबंध की जो वस्तु दिख जाए गोपियां उसी के पास चली जाती हैं, यह भी विचार नहीं करती कि यह जड़ है और पूछने लगती हैं। स्थिति यह तक हो गई गोपियों की कि ढूंढते ढूंढते गोपियों को यही लगने लगता है कि हम ही कृष्ण हैं। तो एक गोपी वंशी धारण कर लेती है और दूसरी गोपी किशोरी जी का रूप धारण कर लेती है, बाकी की सब गोपियां कोई गिरिराज धरण रूप धारण कर लेती है, कोई माखन चोरी लीला का रूप धारण कर लेती है, सब गोपियां ठाकुर जी के विविध विविध रूप धारण कर लेती हैं। सबको लगता है हम में ही कृष्ण है, हम ही कृष्ण है। ऐसी विचित्र स्थिति हो गई गोपियों की। और थोड़ी देर बाद वो स्थिति टूट जाती, फिर रोने लग जाती, विरह व्याकुल, सोच रही है क्या करें, घर जाएं तो किस मुंह से जाएं, और घर चली गई और ठाकुर जी कहीं लौट आए तो। रुदन करती करती गोपियां जैसे यमुना तट पर पहुंची, ठाकुर जी ने गोपियों पर कृपा करने के लिए किशोरी जी को भेजा, हे श्यामा जी आप जाओ कृपा करो। और किशोरी जी को देखते ही सब गोपियां भाव विह्वल हो गई, घेर के बैठ गई किशोरी जी को, तान पकड़ के क्षमा मांग रही है, दंडवत कर रही है, बोले हमें क्षमा कर दो श्यामाजू, लालन छोड़ के चले गए, हमारा हृदय ऐसा है रो कि अभी प्राण निकल जाएंगे, आप कृपा करो अनुग्रह करो। हे सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, बहुत प्रिय है सबको। बस गिरिराज जी की तलेटी में बैठे हैं, श्यामा श्याम नित्य विहार करते हैं गिरिराज जी पर, यही किशोरी जी से प्रार्थना करो, गिरिराज जी से प्रार्थना करो, रजरानी से प्रार्थना करो, रसिक जनन से प्रार्थना करो, श्यामा जी से प्रार्थना करो, नेत्र बंद करके सबको स्मरण करके भाव से गाओ। सुन राधिका दुलारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना।
हम सोचते थे कान्हा कहीं गुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा
अपना जहां जिसे कहे सब कोई, अपना जहां रात भर रोई, उसके लिए मैं रात भर रोई, उसके लिए मैं दिन रात भर रोई, उसके लिए मैं रात भर रोई। नेहा दुनिया थोड़ा दुनिया से थोड़ा नाता सबरे से जोड़ा, नाता सबरे से जोड़ा नेहा दुनिया से थोड़ा, नेहा दुनिया से थोड़ा नाता सबरे से जोड़ा, नाता सबरे से जोड़ा। उसने ऐसा मुख मोड़ा मुझे कहीं का न छोड़ा, श्याम नाम लावे, श्याम नाम लावे हमें, श्याम नाम लावे, श्याम नाम लावे। स्वर में गाओ, हे सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी एक पीड़ा है हमारी, श्याम सब गोपियां किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना कर रही हैं, हे श्यामा जी, इनको तो नहीं पता चल रहा हमारा प्रेम, पर आप तो जानती हैं ना हमने कैसा स्वतंत्र स्वच्छंद प्रेम श्री कृष्ण को किया है। हमारी कोई अभिलाषा कोई कामना नहीं है उनसे, सब छोड़ करके उनकी शरणागत हुई हैं, और ये ऐसे हमें छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। किशोरी जी आप कृपा करो ना। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, ओ, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, ओ, सब विधि उसकी लेता परीक्षा, कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी हंसाए रुलाए छलियां हाथ नहीं आए, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला।
मुझे तो ऐसा लगता है कि किशोरी जी की ही शब्दावली है गोपी गीत। किशोरी गायक भले ही गोपियां हैं पर ये शब्द तो हमारी श्यामा जी के। तब सब गोपियों ने गोपी गीत गाया और ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है, हे श्याम सुंदर आप प्रकट हो जाओ। हम दो चार मुख्य पंक्तियां कुछ गोपी गीत के गा लें। जयते ते दिकम जन्मना ब्रज शयतन विरा। आज कथा के बाद जाइए और तलेटी की तरफ मुख करके बैठ जाइए, एकांत स्थान ढूंढिए और वहां गिरिराज जी को सुनाओ, और नहीं तो रात्रि में नहीं तो सुबह सुबह भोर में जाओ, थोड़ा शीतलता का प्रकाश हल्का हल्का हो चुका हो। श्री गिरिराज जी को रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, जाके सुनाओ ठाकुर जी से गिरिराज जी से कहो। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज शयतन शरदुदास साधु जात सर से जो दर सूरत नाथ ते अशुक दास वरदने तो नेह किंब तब कथामृतम भक्त जीवनम श्रवणमीनम श्रीमदाद्भवम् श्रवण मंगलम श्रीमदात्तम भुवे ग्रहण विदे सुतान्वय धात्रिबांधवा। हमने सब छोड़ दिया कन्हैया आपके लिए, कुछ भी नहीं है अब हमारे पास। अगर हम लौट करके चली भी गई तो क्या पता घर वाले हमको अस्वीकार कर दें, तो फिर हम कहीं और की भी नहीं बचेंगी। लेकिन तब भी तुमसे मिलने के लिए आई हैं, तुमको समर्पित होने के लिए आई हैं नाथ। इस प्रकार तो कम से कम निष्ठुर होकर के हमसे दूर मत जाओ। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया छोड़िया जग सोए साधुअन संग बैठ बैठ साधुअन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई दूसरों न कोई। मीरा भाई कितने भाव से गाती हैं। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई। अब छुपाने से क्या होगा कन्हैया, अब तो सबको पता है। भक्ति हो तो मीरा जैसी, नाम मीरा का बुलता है और चित्त में ध्यान कन्हैया का आता है, कैसी भक्ति मीरा की। वही बात यहां गोपियां कह रही हैं, नाथ हमने सबको छोड़ दिया आपके लिए, आप कम से कम ऐसे निष्ठुर तो मत हो। बहुत सुंदर गोपी गीत गाया। गोपी गीत के बाद
इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपस्त सचित्रधा रुरुदुस्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा में गोपियों के नेत्र सजल हो गए। बंधुओं मैं यहां एक बात कहा करता हूं कि नेत्रों का सजल होना यह बताता है कि आपके अंदर अहम नहीं है। अहम युक्त व्यक्ति कभी नेत्र सजल नहीं हो सकते उसके। और सुनिए, उसको कष्ट हो तो सजल हो जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति के भाव सुनकर के नेत्र सजल ये तो उसी के हो सकते हैं जो मान रहित व्यक्ति हो। मतलब गोपियों के नेत्र सजल हो रहे हैं तो इसका मतलब अब ये मान रहित हो चुकी हैं, इनके हृदय का मान जा चुका है। और जैसे ही मान रहित हुई रुरुदुस्व स्वरम राजन, और कैसे रो रही हैं, बोले स्वर में रो रही हैं। अच्छा एक बात बताऊं आपको, मैंने अनुभव किया है, संसार के विषाद में रुदन हो तो व्यक्ति बोल भी नहीं सकता, पर कृष्ण भक्ति में जब रुदन होता है ना, व्यक्ति गा भी लेगा, नाच भी लेगा, बोल भी लेगा, मैं पूरी कथा भी सुना दूंगा। पता नहीं क्यों संसार के विषाद में जब आप रुदन करते हैं तो आप बोल नहीं सकते, आपका कंठ बोलने युक्त नहीं रहेगा, पर कृष्ण भक्ति में रुदन जब आप करोगे, आप गाओगे और पहले से ज्यादा स्वर में गाओगे। रुरुदुस्व स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे गोपियों ने रुदन प्रारंभ किया, इतने में ही ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबर धर श्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी, अब यहां पर दो बातें हैं, ताशाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज। अब स्मयमाय मुखाम्भुज के दो अर्थ ही हैं। पहला अर्थ तो ये कि ठाकुर जी अपना मुंह पहुंच करके आए, तो गोपियों ने कही नंदन नंदन क्या खा रहे हो, मुंह क्यों पहुंचा आपने। और दूसरा अर्थ यह है कि ठाकुर जी छुप करके ढक करके बैठे थे, ठाकुर जी ने स्मयमाय मुखाम्भुज प्रकट हो गए। तो पहले अर्थ का भाव यह है कि ठाकुर जी कहते हैं आप सबको अभिमान हो गया था तो उस मान को खाने गए थे हम, आप सबका मान खा लिया, मान खत्म हो गया तो हम प्रकट हो गए। लेकिन दूसरा भाव कहते हैं रसिकजन कि ठाकुर जी कहीं गए थोड़े ही हैं। तो जैसे ही गोपियों को विरह हुआ, ठाकुर जी ने तुरंत एकांत में जाकर के अपनी कमरिया उतारी और अपने केश खोल करके अपना श्रृंगार थोड़ा सा धूमिल करके, और ठाकुर जी भी बिहरणी गोपी बन गए। ठाकुर जी भी बिरहा तो डोल रहे, हाय श्याम सुंदर तुम कहाँ हो, हे नंदनंदन तुम कहाँ हो, हे श्याम सुंदर, अरे सखी तेने कहीं श्याम सुंदर देखे, चाल ढाल तो है ही जनानी ठाकुर जी की। गोपी कह, अरे श्यामा तू रो मत, जल्दी मिल जाएंगे। अरे मैं कहा करूं, व्याकुल है रही हूं, कब मिलेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं ठाकुर जी, इनके बीच में रह करके इनके बीच में ही परखूंगा कि इनका मान खत्म हुआ कि नहीं। और जैसे ही गोपियों का मान नष्ट होता दिखाई दिया, तब कहते रुदन तो गोपियां पहले से ही कर रही हैं, पर अब रुदुस्व स्वरम राजन इतने स्वर में और इतनी तीव्रता से रोने लगी कि एक गोपी ने कौनी मार करके कही सबरी गोपी रो रही है, तू क्यों ना रो रही। ठाकुर जी बोले मैं कैसे रोऊं, मुझे विरह थोड़ी है जो मैं रोऊं। गोपियां आसपास से छिड़न लगी, तू क्यों ना रो रही, तू क्यों ना रो रही। और या फिर एक भाव ऐसा है कि स्वर में, एक स्वर में रो रही हैं गोपियां, एक स्वर लग रहा है मानो जैसे कोई संगीत का कोई समागम हो रहा हो, और ठाकुर जी उस स्वर को पकड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि विरह नहीं है चित्त में। तब गोपियों ने इशारा किया, बोले अरे गोपी तू क्यों ना रो रही है। तब ठाकुर जी बोले अब पकड़े जाएंगे सोई ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबर धर श्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। सब गोपियों के बीच में ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके और उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। बोलो रास राशेश्वर भगवान। इससे क्या प्रमाणित होता है, ठाकुर जी कहीं गए थोड़े हैं, यहीं बैठे हैं, इसी पंडाल में ही बैठे हैं इसी वक्त, और टुकुर टुकुर देख रहे हैं कौन कथा सुन रहे हैं, कौन रो रहे हो, कौन के चित्त में अहं है, कौन आलस कर रहे हो, कौन भाव। और जिसको देख करके ठाकुर जी को लगता है ये प्रेमी, कथा से जाती उसमें प्रेम प्रकट हो जाता है, मानो श्याम सुंदर मिल गए उसको, हो गए उसके प्रकट हो गए। गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया। ठाकुर जी बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हमसे कुछ मत कहो। बोले नहीं नहीं आज तो तुम्हें ठिकाने लगाएंगे हम, कहां भाज गए थे। ठाकुर जी बोले अब क्षमा कर दो। गोपियां कहती हैं कन्हैया एक बात बताओ, तुम किससे प्रेम करते हो, प्रेम करने वाले से प्रेम करते हो, नहीं प्रेम करने वाले से प्रेम करते हो, दोनों में से किसी से प्रेम नहीं करते। भगवान बोले प्रेम करने वाले से जो प्रेम करे वो स्वार्थी, प्रेम न करने वाले से जो प्रेम करे ऐसे गुरु और माता पिता ही होते हैं और कोई नहीं होता। जो शिष्य और पुत्र भले प्रेम ना करे फिर भी प्रेम करते, और प्रेम करने वाले से भी प्रेम ना करे, न प्रेम करने वाले से भी प्रेम ना करे, ऐसे दो लोग होते हैं, या तो कोई विरक्त महात्मा और या फिर देशद्रोही गुरुद्रोही आतंकवादी। आतंकवादी को माला पहना दो तो भी गोली मार देगा,
और उसको कहो कि हम तुमसे प्रेम करते हैं तो भी गोली मार देगा। संत के गले में जाके माला पहना दो तो भी प्रसन्न नहीं होगा, तो भी एक चित रहेगा, एक रस रहेगा, और उसको गालियां दे दो तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गोपी बोली, पहले वाले तो आप नहीं हो, दूसरे वाले भी आप नहीं हो, तीसरे वाले हो पर संत तो नहीं हो, आप गुरुद्रोही हो। आपसे कोई प्रेम करे आप तब भी उसको ठुकरा देते हो, नहीं प्रेम करने वाले से तो आप खेलते ही हो। ठाकुर जी बोले, नहीं 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 ऐसा नहीं है, हमें क्षमा करो। हम कान पकड़ के कहते हैं, और भगवान ने रास पंचाध्याय में कहा, हम सबके ऋण से उऋण हो जाएंगे पर ब्रजवासियों के प्रेम ऋण से मैं संपूर्ण जीवन क्या युग युगों तक कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। आप ब्रजवासियों के प्रेम से कभी उऋण नहीं हो सकता। हाँ, अब ठाकुर जी ने असंख्य रूप धारण कर लिए, जितनी गोपी उतने कन्हैया है गए। हुबन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे, इतना सुंदर भाव है, पीछे पीछे गाओ मेरे, फिर नाचेंगे तो हम बाद में। ये भी संवादात्मक पद है हमारे ब्रज का। उबन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली। अभी बजाओ नहीं, आप लोग पीछे पीछे गाओ, बिना रिदम के गाओ। राधे जगत नचायो तेरी बोंकी मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी बोंकी मरोड़। ये कौन गा रहे हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं, हे किशोरी जी आप तो अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करो, पूरा जग नाच जाए, मैं कहाँ नाचूंगा। राधे जगत नचायो तेरी बोंकी मरोड़ रे, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। अब पहला भाव श्री जी कह रही है, कैसा प्रेम हमारे श्यामा श्याम का। किशोरी जी कह रही है, ब्रज के किशोर तो पे डारू तृण तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तो पे डारू तृण तोड़ प्यारे। इतने प्यारे लग रहे हो कन्हैया, ऐसा मन कर रहा है कि तृण तोड़ दूं, कहीं कोई की नजर नहीं लग जाए। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर, सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। ब्रज भाषा के आगे भैया सब फीके लगे हैं, सब प्यारो लिखे हैं हमारे ब्रजवासी। आहा, अब श्री जी ठाकुर जी पे कह रही हैं, तृण तोड़वे को मन कर रहे हो, इतने प्यारे लग रहे हो। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, आप भी कम ना लग रही हो। अच्छा कैसी लग रही हैं? तब ठाकुर जी कह रहे हैं, कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली सो रंग भानु की लली को, और मुख चंद हुते नी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद्र हूँ तेनी को मेरे नैना है चकोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली। इतना सुंदर भाव, किशोरी जी अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रही हैं, और जब आप अपलक नेत्रों से कहीं देखते हैं तो नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। किशोरी जी के नेत्रन में मोटे मोटे अश्रुबिंद आ गए, सो ठाकुर जी ने अपने हाथ धर दिए, बोले अरे श्री जी नेत्र बंद करो, आप ऐसे काई को कर रही हैं, देखो आंख लाल पड़ गई आपकी। तब किशोरी जी कह रही हैं, नैननु बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैननु बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को। ठाकुर जी कह रहे हैं नेत्र बंद करो, कोई जरूरत ना है मुंह को नेत्रन में बसाए वेगी, क्यों? अरे जो पहले थी बसो भयो बाकू, कहा बसानो है। ठाकुर जी कह रहे हैं, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग, अरे कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे श्यामा जू हाथ में, मैं कितना इतरा लूं, मैं कितना जय जय बन जाऊं,
मैं कितना तीनों लोकन को नाप लू, मैं कितना ब्रह्मांड को अधिपति बन जाऊं, पर मेरी डोर तो आप ही के पास है। मैं तो पतंग हूं, बस उड़ रहा हूं आकाश में। कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में डोर, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में डोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर।